इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम यहाँ पर नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं धारवाड़ के करीब। आप पीछे तकरीबन कई सारे जो है दिहाड़ी मजदूर हैं और वो शिमोगा से चलते हुए राजस्थान जा रहे हैं। अब तक उनका कुछ भी इंतज़ाम नहीं हुआ है, वो चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और उनका खाने पीने का कहीं पर इंतज़ाम हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि ये दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर हाईवे के करीब किनारे पर बैठे हुए हैं कि किसी तरह से वो राजस्थान तक पहुँचे। क्या हुकूमत इन तमाम मजदूरों के बारे में सोचने से पहले लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है, क्या ये वाकई सही है या गलत, ये सोचने पर मजबूर है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कहाँ से हैं? शिमोगा से सर। शिमोगा से कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान भिलवाड़ा जा रहे हैं। राजस्थान भिलवाड़ा जी। अब कब से चलते आ रहे हैं? आप 5 दिन हो गया चलते चलते। कोई साजन मिला तो आप अच्छा आदमी रहा तो हमारे को बिठाता है, अच्छा आदमी नहीं रहा तो नहीं बिठाता। वैसे चल को जा रहे हैं सब। अब चलते चलते आ रहे हैं। आप 5 दिन से आ रहे हैं? हाँ 5 दिन से आ रहे हैं। कितने लोग हैं आप? हम 21 जने हैं। 21 आदमी, एक छोटा बच्चा है।